नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन की 86 में। और ये 17 जून का करेंट अफेयर है। आप सभी को बता दें कि जो बच्चे SBI या फिर RRB या फिर IBPS की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उन सब के लिए तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि हमारे साथ जुड़ जाए। और उनको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन की 86 पे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ बने रहिएगा और पूरे क्वेश्चन का आंसर आप भी क्विज में बनकर साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है करेंट अफेयर। और मैंने बताया जैसा कि आपको सिर्फ ये तीन एग्जाम ही नहीं, इनमें रेलवे, यूपी पुलिस, SSC और PCS में हर एग्जाम में आपके एग्जाम हर ऐसे एग्जाम में आपसे करेंट अफेयर से क्वेश्चन रहते ही हैं। तो बच्चे, इस करेंट अफेयर में हम आपको इकोनॉमिक्स से लेकर बैंकिंग से लेकर जो योजनाएं बनती हैं भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, उन सब के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो देते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर याद रह सके और आंसर आप करके सही आ सको। तो हम देखते हैं आज का पहला सवाल इसी के साथ। ये देखिए, ये है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, वो कौन से शहर में किया जाएगा, किस देश के शहर में, न्यू दिल्ली, काठमांडू, बीजिंग या टोक्यो। देखिए, इंडिया है, नेपाल है, चाइना है और जापान है। तो आपको ये बताना है कि जो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इस योजना इस सम्मेलन को, ये कहाँ होगा। तो अगर आपको आंसर पता है बच्चों, तो नीचे जाके कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर बच्चे बी, यानी कि काठमांडू नेपाल में, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये कब और कितने दिनों के लिए हो रहा है सम्मेलन। तो ये एक्चुअली सम्मेलन 17 जून यानी कि आज से शुरू होने वाला है, ठीक है। ये सम्मेलन आज से शुरू होने वाला है और इसका जो थीम है वो क्या है, स्मार्ट सोसाइटी को एक इसके लक्ष्य को पाने के लिए सबसे ज्यादा उसका थीम है कि स्मार्ट सोसाइटी है के लिए एक सतत विकास का लक्ष्य, ठीक है, एक सतत विकास का लक्ष्य यानी कि डेवलपमेंट करने का एक बहुत ही दृढ़ संकल्प लिया है इन लोगों ने इस सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सम्मेलन में। और ये सम्मेलन कब होगा, तो 17 जून से आज से यानी 17 जून 2018 से शुरू होने वाला है और ये 2 दिवसीय है, ठीक है बच्चे, दो दिन का ये सम्मेलन है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। सम्मेलन का आयोजन फेडरेशन ऑफ कंप्यूटर एसोसिएशन नेपाल यानी कि CAN द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। सम्मेलन का कौन कर रहा है, तो फेडरेशन ऑफ कंप्यूटर एसोसिएशन ऑफ नेपाल, ठीक है। तो ये किया जा रहा है FCN के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो रहा है नेपाल में, काठमांडू में, ओके। अब अगला सवाल हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अटल इनोवेशन मिशन का मुख्य कार्य है। अटल इनोवेशन मिशन, अभी इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आप सभी को इसके पूरे मिशन के बारे में कि ये अटल मिशन है क्या, ठीक है। तो बच्चों, आप अगर उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लीज 16 जून का और 15 जून का दोनों करेंट अफेयर आप एक बार जरूर देख लें, तो इसमें शायद हो सके आपका क्लियरेंस ज्यादा हो जाए। पर इसका आंसर मैं दूंगा यहाँ पे, आप सभी को अगर पता होगा जो बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं तो उसका आंसर कर सकते हैं। तो इनमें से बताना है कि कौन सा अटल इनोवेशन मिशन का एक मुख्य कार्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन वर्क ऑफ द अटल इनोवेशन मिशन। चलिए इसका आंसर है बच्चे, चलो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन, जी हाँ, स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग यानी कि SETU, ठीक है, सहित अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार के नवाचार और उद्यमशीलता के एक संस्कृति की बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है बच्चे, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य जो है ना,
इसका विश्व स्तरीय इनोवेशन यानी कि हब, ग्रैंड चैलेंज, स्टार्टअप, व्यवसाय, रोजगार और इनसे रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और खासकर टेक्नोलॉजी संचालित की जाएगी यानी प्रौद्योगिकी जो है संचालित की जाएगी हर क्षेत्र में इसके प्रचार के लिए और इसके मंच के रूप में कार्य करना इसका एक मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, यानी कि इससे ये अटल जो मिशन योजना है एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन जो है ये किया जा रहा है। इसके अंतर्गत किसका डेवलपमेंट होगा विश्व स्तर पे, तो स्टार्टअप का, व्यवसाय यानी कि बिजनेस का, अन्य रोजगार का जो कि प्राइवेट सेक्टर से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को याद रखिएगा, आंसर आपका इसका आंसर है एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन और देखिए इनोवेशन प्रमोशन भी है बच्चे। ठीक है, तो ये ए और बी दोनों आंसर है, मैंने इसको देखा नहीं अभी। ठीक है, सॉरी ऑप्शन मैंने पढ़ा नहीं, ये गलती हुई मेरे से, पर ये इसका आंसर दोनों है बच्चे, यानी कि आंसर हुआ डी। ठीक है, इसको आंसर डी कीजिएगा कि बोथ एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन और इनोवेशन प्रमोशन दोनों का कार्य किया जा रहा है इसमें, इसलिए आंसर है डी, इट्स ए एंड बी ऑल्सो। अगला सवाल है कि अनलिमिटेड पावर पुस्तक किसने लिखी। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो करेंट से आ रहा है। ठीक है, तो आपको आंसर पता है तो जरूर इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। चलिए, एंथोनी रॉबिन्स, रॉबिन उथप्पा, सुनील ग्रूवर या डॉक्टर नरसिम। ठीक है, तो देखो इसमें तो राइटर मुझे तो लग रहे हैं कि सिर्फ एंथोनी रॉबिन ही है। ठीक है, क्यों, राइट आंसर भी इसका ए है। ठीक है, नोट कीजिएगा। और रॉबिन उथप्पा एक क्रिकेटर है, सुनील ग्रोवर एक कॉमेडियन है जो कि स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, डॉक्टर नरसिम एक डॉक्टर है पेशे से जो कि एम से रिलेटेड है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, पर इसका आंसर जो राइट है वो एंथनी रॉबिन्स है। ठीक है, तो अनलिमिटेड पावर पुस्तक जो है इन्होंने लिखी है एंथनी रॉबिन्स ने। ठीक है, इस पुस्तक में बताया गया है कि सफलता जो है, सफलता का संकेत, ठीक है, जो सफलता का संकेत यानी कि जो कोई भी इस पुस्तक में जो लिखा गया है मतलब उसके बारे में, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बता रहा हूँ आपको मैं कि सफलता संकेत देती है। ठीक है, यानी कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको ऑटोमेटिक दिखने लग जाएगा कि हाँ मुझे सक्सेस मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके बारे में इस बुक में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया, आप ज़रूर पढ़िएगा बुक, बहुत अच्छी मोटिवेशनल पूरा बुक है ये। ठीक है, अनलिमिटेड पावर इस बुक का नाम है और इसका जो मेन थीम है पुस्तक का कि सफलता संकेत देती है और उस जिस संकेत पर आपको कार्य करना होता है। ठीक है, इसका मुख्य थीम कह सकते हैं उस बुक का कि मतलब ऐसा एक राइटर ने लिखा है कि सफलता संकेत देती है उस पर आपको कार्य करना है। ओके, चलिए अगला सवाल है, मतलब इसका आंसर ए है, एंथनी रॉबिन्स। ओके, अगला सवाल है कि भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील जी हाँ छेत्री ने अब तक इतने गोल दागकर अर्जेंटीना के लियोन मेसी के रिकॉर्ड को बराबर कर लिया है। तो इंडियन फुटबॉलर सुनील छेत्री हैज स्कोर सो मेनी गोल्स बाय द मैचिंग द रिकॉर्ड ऑफ अर्जेंटीना लियोन मेसी। ठीक है, लियोन मेसी, मेसी का इन्होंने बराबरी कर लिया है अब इतने गोल दागकर। तो कितने टोटल गोल दागे हैं इस खिलाड़ी ने, भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने। चलिए, अगर आंसर पता है तो जरूर आंसर कीजिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसका आंसर है बच्चे डी, यानी कि 64, टोटल 64 गोल दागे हैं इन्होंने और ये बराबरी की है अर्जेंटीना के लियोन मेसी का। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बच्चे, किस राज्य सरकार ने कहा कि ई सिगरेट, ठीक है, पर प्रतिबंध लगना चाहिए। विच स्टेट गवर्नमेंट सीड अ बैन ई सिगरेट। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या महाराष्ट्र। अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर कमेंट कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, अपने आंसर को कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस पूरे क्यूज में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
टेन है, टॉप 10 क्वेश्चन है आज के, जो कि आपके एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु है वो स्टेट जहाँ पे इसको बैन करने की एक गुजारिश की गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं वहां के, विजया भास्कर, उनका नाम नोट कीजिएगा। ठीक है, ये विजया भास्कर हैं वहां के राज्य स्वास्थ्य मंत्री, ने विधानसभा में बताया कि तमिलनाडु बैटरी संचालित इनहेलर्स ले रही है। ठीक है, यानी कि ये जो ई सिगरेट है ये क्या है, बैटरी से चलने वाली सिगरेट है, और इसको इनहेल किया जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो कि कहा जाता है इसको, जो वाष्पीकृत निकोटीन छोड़ते हैं, को एक प्रतिबंध लगाना बहुत ही अनिवार्य हो गया है उनके कहने के अनुसार। ठीक है, और ये ई सिगरेट एक हैंड हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो तंबाकू धूम्रपान की भावनाओं को भी प्रचारित करता है, यानी कि प्रचार करता है उसका, इसलिए इसको बैन करना बहुत ही अनिवार्य है, ऐसा वहां के राज्य स्वास्थ्य मंत्री विजय भास्कर ने विधानसभा में बोला है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला हमारा सवाल है, इसका आंसर है ए। ठीक है, नोट कीजिएगा। तमिलनाडु किस राज्य ने प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? विच स्टेट हैज बैंड द प्लास्टिक गुड? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या महाराष्ट्र? तो इसका आंसर अगर आपको पता है बच्चे तो आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर नीचे, और जो बच्चे अभी हमसे जुड़ रहे हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को साथ ही साथ दबा लें, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके बच्चों। ओके, चलिए, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? सी, यानी कि तेलंगाना। जी हाँ, इसको नोट कीजिएगा, सी है इसका आंसर, तेलंगाना। वहां की सरकार ने अभी सभी शहरी स्थानीय निकायों और नागरिक नगर निगमों पर कार्यालयों में एकल उपयोग, ठीक है, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। वहां के सारे जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, वहां सबसे पहले इन्होंने प्लास्टिक को बैन किया है, क्योंकि जब तक सरकार ही नहीं बैन करेगी तो जनता कैसे करेगी बैन उस चीज को। तो इसलिए सबसे ठोस कदम उठाते हुए वहां की सरकार ने, जो तेलंगाना सरकार के जितने भी सरकारी अफसर हैं, कार्यालय हैं, सब जगह है ना, सब जगह इन्होंने प्लास्टिक को बैन करने का आदेश दिया है। ओके बच्चों, और ये ठोस अपविष्ट प्रबंधन नियम, इस ठोस नियम 2016 के अनुसार 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक का उपयोग पहले से ही प्रतिबंधित था। देखिए, यहाँ से एक और जीके का क्यूज आ रहा है, 2016 से ही यहाँ पे 50 माइक्रोन, ठीक है, 50 माइक्रोन का प्लास्टिक जो था पहले 2016 से ही यहाँ पे बैंड हो चुका है। ठीक है, और ये 2018 में इन्होंने पूर्णतः प्लास्टिक का जो बैंड है वो लगाने का इन्होंने काम किया है। ठीक है, कौन से? तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने। ठीक है, चलिए अगला हमारा सवाल है बच्चे, कि किस सोशल मीडिया ऐप ने शुरू किया यूपीआई, यानी कि यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विस। एक यूपीआई पे ये पेमेंट सर्विस है जहां आप ऑनलाइन बैठे ही डिजिटली अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से किसी भी चीज का पेमेंट कर सकते हो। सपोज वो बिजली बिल हो, पानी का बिल हो, या फिर आपके घर का कोई भी बिल हो, ठीक है, इनफैक्ट आपके मोबाइल रिचार्ज से लेकर हर वो चीजें उपलब्ध करता है यूपीआई। ठीक है, और ये कौन सा सोशल मीडिया ऐप ने अभी शुरू किया है? तो बच्चों अगर आपको आंसर पता है, देखो आप लोग सभी इन सब जितने भी ये सोशल मीडिया यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सब का आप लोग यूज करते होंगे, जरूर किया होगा कभी ना कभी, है ना, तो आंसर जरूर आपसे मैं चाहूंगा, इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा। ठीक है, इसका आंसर मैं, और 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है और, ठीक है, 10 तक करा के इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा, और इसके बारे में थोड़ा मैं कुछ बताऊंगा अभी आपको। चलिए, तो अगला हम सवाल देखते हैं, भारत के विकास दर 2019-20 का फीचप, यानी देखो फीचप एक एजेंसी है जो कि कैलकुलेट करती है, ठीक है, का पूर्ण अनुमान कितना रहा, कि भारत का जो विकास दर है वो 2019-20 में कितना होगा, ये बताया जा रहा है, बताना है आपको कि हाउ मच वाज द फॉरेस्ट ऑफ फीचप ऑफ इंडियाज ग्रोथ रेट इन 2019-20। ओके, तो आपको अगर आंसर पता है बच्चे तो जरूर इसका आंसर कीजिएगा।
देखिए अभी जो है 7.4% से भारत के विकास का दर फिचप ने ही पूर्वानुमान किया था, और फिचप 2018-19 के लिए भारत के विकास के दर को पूर्णतः 7.3 से बढ़ाकर 7.4 कर दिया है। लेकिन इस उच्चतम वित्त पोषण लागत और बढ़ती तेल की कीमतें जो बाजार में मतलब पेट्रोलियम मार्केट में जो तेल की जो कीमतें बढ़ रही हैं ना, उनसे रिलेटेड बातें हो रही हैं कि इनके जोखिम के रूप में इसको माना जा रहा है कि ये जो तेल का रेट बढ़ रहा है इसके चलते हो सकता है कि भारत का जो विकास दर है वो गिर भी सकता है और बढ़ भी सकता है, इस पे अनुमान लगाया जा रहा है। पर फिर भी इन्होंने जो फीचर हैं इन्होंने 2019-20 के लिए इसका अनुमान लगाया है कि इसकी जो विकास दर होगी वो होगी 7.5। इसको नोट कीजिएगा, ये 2019 और 20 का, ठीक है, 19 और 20 का ये अनुमान है विकास दर का भारत का, ठीक है, जो कि अभी देखा जाए तो 17-18 के अर्थव्यवस्था में इसको 6.7% की ओर देखा जा रहा था, और जनवरी मार्च के तिमाही में इसे 7.7 का बढ़ोतरी किया था, ठीक है। ये इसको जनवरी से पहले मतलब है ना देखा गया 17-18 का सेशन में, तो इसमें 6.7 का विकास रेट चल रहा था, ठीक है। पर अभी इसको मार्च में नोट किया गया है, मार्च जनवरी से मार्च में, तो ये 7.7% का नोटेबल हुआ है। इसलिए 2019-20 के लिए इसको 7.5 का एक लक्ष्य माना जा रहा है कि ये पूर्वानुमान हो रहा है किसके द्वारा, तो फीचअप के द्वारा। ओके चलिए अगला हमारा सवाल है बच्चों कि यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन देश कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी मैं आपसे लोगों से आंसर चाहूंगा इसका, ठीक है। चलिए वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि ये कर रहा है मेजबानी भारत, जी हाँ इंडिया कर रहा है इसका मेजबानी। यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव 18 जून यानी कि कल से, ठीक है, 18 जून 2018 को नई दिल्ली में प्रदर्शित किए जा रहे हैं, ठीक है। ये जगह पूछ सकता है कि कहाँ हो रहे हैं, तो ये न्यू दिल्ली में हो रहे हैं, इसको नोट कीजिएगा आप लोग। और 23 यूरोपीय संघ के सदस्यों में 24 नवीनतम यूरोपीय फिल्मों के चयन के साथ इस साल का फिल्म महोत्सव विश्व सिनेमा के उत्साही लोगों के लिए असामान्य कहानियां लाएगा, मतलब कि स्टोरीज लेकर आ रहा है इस फिल्मों की। और यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव का एक आयोजन फिल्म त्योहार निदेशालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के यूरोपीय संघ द्वारा किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये नोट कीजिएगा, न्यू दिल्ली में होगा और इसका मेजबानी भारत कर रहा है, और ये कब से शुरू होगा, तो 18 जून से यानी कि कल से, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये अभी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला हमारा सवाल है बच्चे कि कौन बैंक बना पांचवा सबसे बड़ा उपभोक्ता FSC फोबर्स के थ्रू, ठीक है, फोबर्स के थ्रू कौन सा बैंक FSC कंज्यूमर जो है सबसे पांचवा सबसे बड़ा उपभोक्ता बना है, तो वो है बच्चे HDFC बैंक, ठीक है। बैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन दो हो गए हैं यहाँ पे आज, ठीक है। आवास वित्त प्रमुख HDFC को फोबर्स पत्रिका द्वारा संचालित सूची में उपभोक्ता को वित्तीय श्रेणी सेवा श्रेणी में विश्व स्तर पर 5वीं रैंक मिली है, जो कि सार्वजनिक कंपनी के रूप से स्थान दिया जाता है, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। HDFC बैंक रैंक पिछले साल 7वां था और अभी ये 5th पे आ चुका है, ओके चलिए। और इस श्रेणी में अमेरिकन एक्सप्रेस जो है वो टॉप पे है, कौन सी, तो अमेरिकन अमेरिकन सॉरी अमेरिकन एक्सप्रेस वो क्या है, अभी नंबर 1 पे है इस सूची में, किसके, फोबर्स की सूची में, ओके। चलिए बच्चों ये आपको आंसर सब पता चल गया यहाँ पे। अब हम बात करने वाले हैं बच्चे कि जो हमने पूछा आपसे 7वां क्वेश्चन कि किस सोशल मीडिया ऐप ने शुरू किया UPI आधारित, ठीक है। तो ये बच्चे मैं बता दूं आपको कि आप लोग इसे पर डे यूज कर रहे हैं, है ना, आप लोग इसके ग्रुप अगर बनाए होंगे तो उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और वहां पे अगर आप लोगों ने ग्रुप बनाया होगा तो इस सारे वीडियो आप लोग करंट अफेयर के अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। इसका आंसर है व्हाट्सअप, ठीक है, व्हाट्सअप जो सोशल मीडिया है उसमें UPI बेस्ड पेमेंट सर्विस की शुरुआत की है, और इसके लिए बता दो कि भारत में UPI के माध्यम से
व्हाट्सएप भुगतान सुविधा को बड़े पैमाने पर शुरू किया जा रहा है आज से, ठीक है। फरवरी में उपभोक्ताओं को चुनने के लिए यह सुविधा तैयार की गई थी, लेकिन अब यह आमंत्रण आधारित पहुंचने के अलावा उपभोक्ता यानी कि ऐप अपडेट करने के बाद इसका उपयोग कर सकेंगे। आप लोग सभी अपने एप्लीकेशन व्हाट्सएप को अपडेट कीजिएगा, हो सकता है कि आपको ये फैसिलिटी दिखने लग जाए, ठीक है। रिपोर्टरों ने कहा है कि व्हाट्सएप एक लेन देन में 5,000 रुपये तक भेजने की ये सक्षम होगा, समझ गए। यानी कि आप जो अमाउंट भेज सकते हैं इसमें लिमिटेशन है 5,000 रुपीज का, ठीक है। एक बार में आप 5,000 रुपये एक दिन में भेज सकते हैं इसको, इतना काफी है जानकारी इसका। और आप लोग अपने व्हाट्सएप को अपडेट जरूर कीजिएगा, हो सकता है कि आपके ये आने में थोड़ा टाइम लगे, तो इसके बारे में फिर और जानकारी मैं अभी दूंगा अपने अगले क्यूज में या फिर अगले वीडियो में। तो हमारे साथ दोस्तों बने रहिएगा, आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, ठीक है, और अपने फेसबुक में अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये सब जानकारी मिल सके और हमारे साथ जुड़ सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।